हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका प्यारा दोस्त प्रवीण। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सागर में स्थित है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे कि अभी व्हाट्सएप का ग्रुप भी चेक किया है और अपने मतलब कमेंट बॉक्स भी चेक किए, इंस्टाग्राम पर भी चेक किया, तो फेसबुक पर तो ऑलरेडी मैसेज पड़े हुए हैं, जबकि मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाया। तो मैं कहा कि एक वीडियो ही फट से बना देता हूँ, मतलब कि वीडियो बना देता हूँ, कोई टेंशन ना रहे आप सभी को। तो आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सागर में स्थित है। कई सारे स्टूडेंट का मतलब वो आया था, कमेंट आए थे और बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि प्रवीण भाई, प्रवीण सर, क्या मतलब है डॉक्टर हरि सिंह गौर में जो फीस सबमिट होता है उसके बाद क्या मतलब है। प्रॉब्लम ये था, टॉपिक ये है कि वहाँ हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जाके ऑफलाइन क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा था कि 15 जनवरी तक डॉक्टर हरि सिंह गौर में मतलब डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, मार्कशीट, वर्कशीट और दुनिया भर के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट कहाँ से जमा करेंगे, यूनिवर्सिटी में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, आप कौन से डिपार्टमेंट जाएंगे, पहली बार जाएंगे तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं कि उससे पहले मैं खुद वहाँ कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं उनसे खुद कंफर्म किया, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि मतलब मुझे बताया और मैं खुद यूनिवर्सिटी भी गया था, तो मतलब मुझे इतना पता है कि जैसे वहाँ आप जाओगे तो पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं कि आपको जमा कहाँ करना है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि एक नई नोटिफिकेशन आएगा, उन्होंने बताया कि एक नई नोटिफिकेशन आएगा, करीब 2-3 दिन में आ जाएगा वो नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कहाँ करना है। नहीं तो आप ये तो है कि डॉक्यूमेंट जमा करना है, मगर कहाँ जमा करना है ये भी तो होना चाहिए ना क्लियर। तो दोस्तों उसमें 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आएंगे। और रही बात कि डॉक्यूमेंट जमा करने की, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनका फ़ोन भी आया मेरे पास कि बोल रहे हैं प्रवीण भाई, प्रवीण सर, हम लोग का सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं और उसके बाद फिर वेबसाइट बंद हो गए हैं, पोर्टल बंद हो गए हैं, तो हम लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो मैं बता दूं यार कि जब इसमें नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बोल रहा है कि आपको जनवरी में मतलब 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट जमा करना है, मतलब वहाँ जाके कॉलेज में जाके या फिर यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना है, तो फिर जब जमा करना है तो फिर कोई टेंशन नहीं, जब जमा हो रहा है तो फिर से आपकी वो हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फीस सबमिट होने के बाद टेंशन नहीं रहता है ना, ये है कि मतलब है आ चुका है, आपकी मेरिट लिस्ट में भी नाम हो चुका है और एंसर शीट में बहुत सारे नाम आ चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही मैं बताऊं कि जब आप वहां जाओगे यूनिवर्सिटी, तो पहली बात तो ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डीन जाएंगे, डिपार्टमेंट जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा हो तो फिर सेंट्रल ऑफिस में जाएंगे। यही है कि 2-3 दिन में आपकी प्रोसेस। और रही बात कि मतलब कि जैसे कि उसमें लिखा है कि 15 जनवरी तक मतलब है आपका डॉक्यूमेंट जमा होना चाहिए, तो 15 जनवरी तो सुनवे में आया है और ये भी मतलब है न्यूज़पेपरों में निकल रहा है, बहुत सारे पेपर में भी निकल रहा है कि 1 जनवरी से कॉलेज खुलने वाला है, यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। तो सागर यूनिवर्सिटी जब ओपन हो जाएगा तो फिर आप लोग आइएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि 15 जनवरी तक डेट है ना, तो आप 1-2 जनवरी को फिर यूनिवर्सिटी आइए, है ना, और यूनिवर्सिटी में फिर देखिए क्या है, मतलब कहाँ डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, कहाँ क्या होते हैं। रही बात कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो दोस्तों ये कॉलेज तो आपको आना ही पड़ेगा ना, यूनिवर्सिटी तो आपको आना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो डॉक्यूमेंट भी जमा कर देना है और देख भी लेना, तो मतलब यूनिवर्सिटी कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, ये सब आप देख लेना, उसमें नो टेंशन रहेगा। और साथ ही मैं और बताऊं कि जैसे कि डॉक्यूमेंट की ये बात हो चुकी कि डॉक्यूमेंट कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ऑलरेडी बताया जाएगा कि हाँ कहाँ कैसे और कहाँ डॉक्यूमेंट जमा होगा। तो मैं आपको ताज़ा अपडेट है, प्रेजेंट है,
बताता रहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा। तो दोस्तों ये है कि जब आप मतलब यूनिवर्सिटी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको फ्री हाल। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रवीण भाई आपसे मिलना भी है, मैं कहा कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, है ना। तो रही बात यह है कि आपका जब 15 जनवरी तक डेट है उसका, तो आप 1-2 जनवरी को मतलब जमा करिए। रही बात डॉक्यूमेंट की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कब जमा करना है, तो 15 जनवरी को जमा करना है और उससे पहले, तो आप 1-2-3 दिन का वेट कर लो कि नोटिफिकेशन क्या देता है। और ऑलरेडी बचा कितने दिन है, है ना, 1 जनवरी कितने दिन बचा है, 1 जनवरी थोड़ा और वेट कर लो। तो 15 जनवरी तक डेट है, 1 जनवरी का 2-4 दिन और वेट कर लो, या फिर वेट कर लो। वेट करने से क्या होता है, नोटिफिकेशन आएगा ही, फिर उसमें आप मतलब हैप्पी न्यू ईयर भी मना सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, है ना, ठीक है, नए साल मुबारक हो आप सभी को, ये सब मना सकते हैं, आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी घूम सकते हैं। तो यही सब है कि वीडियो को करना लाइक और वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें डाउट है, तो अपने कमेंट में कह सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, जो कि मैं अपना नंबर डाल दूंगा, या फिर लिख लें 97-5-76-43-40। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं वो। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो आप टेंशन मत मानिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपकी क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ताज़ा अपडेट और लाइव।